आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए HP का ScanJet Pro 3000 S4 एक स्कैनर की अनबॉक्सिंग। एंड ये जो स्कैनर होता है बहुत ही फास्ट होता है, ऑफिस वगैरह में जो हमें जल्दी काम करना पड़ता है, जो फास्ट काम होता है उसके लिए ये यूज होता है। तो इसका मॉडल नंबर है HP ScanJet Pro 3000 S4। शीट फीड स्कैनर है ये फ्लैट वाइट स्कैनर नहीं है, इसमें आप शीट लगा सकते हैं, जो पेपर होते हैं वो लगा सकते हैं, कोई बुक्स वगैरह स्कैन करनी होगी उसके लिए यूज नहीं होता है। बुक्स वगैरह के लिए आपको फ्लैट वाइट स्कैनर लेना होगा एंड ये शीट फीड स्कैनर होता है। एंड MRP यहाँ पर है इसकी 44,103 रुपीज, लेकिन ये मुझे मिला है 29,500 में। एंड इस बॉक्स में एक स्कैनर निकलेगा, एक पावर अडेप्टर, एक पावर कॉर्ड एंड एक USB केबल। तो इस बॉक्स में मिला है तो अडेप्टर निकला है इसका, एक पावर केबल, एक 3.0 USB केबल, यूजर मैनुअल, स्कैनर है। इसका जो बैग आया अंदर, ये पॉलिथीन जिस तरीके से हम लोग यूज करते हैं उस तरीके से आई है। बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का स्कैनर होता है। तो इसकी मैं सिक्योरिटी टेप यहां से रिमूव कर देता हूं। इस बटन से आपको इसको ओपन कर लेना है, अंदर भी एक टेप निकलेगा। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पर स्कैनिंग का बटन दिया हुआ है, आप डायरेक्ट इससे भी स्कैनिंग कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको प्रेस करके भी स्कैनिंग कर सकते हैं। एंड ये स्कैनिंग को स्टॉप करने के लिए होता है। एंड ये इसका इंडिकेटर है, जब कोई एरर आएगा तो ये ब्लिंक करेगा। यहां पर दिया हुआ है इसका एक सिक्योरिटी लॉक, USB पोर्ट, USB 3.0 है एंड इसके पावर अडेप्टर के लिए। पावर ऑन कर ले दो, फिर आपको सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, स्कैनिंग करके दिखाऊंगा कि हम इसमें कौन कौन सा पेपर सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे तो देखिए यहां पर मेंशन है 8.5 एंड A4, यानी लीगल और A4 दोनों की स्कैनिंग इसमें हो जाएगी। मैंने पावर अडेप्टर इसमें लगा दिया है, अब इसको हमें प्रेस करना है। एंड ये होता है इसका फुल व्यू। तो अब चलते हैं हम डेस्कटॉप पर, इनके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके इसकी फिर स्कैनिंग करके देखते हैं। डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, ऐप पे कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लीजिए, उसमें आप टाइप करेंगे HP 3000 S4 स्कैनर ड्राइवर। तो इस तरीके से जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ड्राइवर शो कर देगा। अगर विंडोज आपकी कोई दूसरी है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, विंडोज में जाके विंडोज कर दीजिए, लिनक्स, मैक OS, जिसका आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मेरे पास विंडो 11 है तो 11 का ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ड्राइवर्स शो कर देगा, लेकिन जो आपको ओपन ऑल करिए यहाँ पर रिकमेंडेड दिखा रहा है, ये 411 MB का है, तो ये इसमें फुल कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसे ही आप डाउनलोड कर लीजिए, बाकी के डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे डाउनलोड कर लेंगे। और ये डाउनलोड हो गया है, इसको ओपन करेंगे, नेक्स्ट। एंड यहाँ आपको कुछ ऑप्शन शो करेगा, एक्चुअल में जो इसका सॉफ्टवेयर है नेटवर्क स्कैनर आते हैं उनको भी सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे हमारा जो स्कैनर है वो नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है, यानी वाईफाई और लैन को सपोर्ट नहीं करता है, तो हमें यहाँ पर USB क्लिक करना पड़ेगा। एंड USB क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट कर देंगे। ये अब स्कैनर इंस्टॉल हो गया है, फिनिश। जैसे मैंने इसका सॉफ्टवेयर ओपन किया है तो इसका फर्मवेयर अपडेट करने के लिए आ रहा है, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसका फर्मवेयर अपडेट करेंगे तो इस तरीके से स्क्रीन पर ये फर्मवेयर अपडेट होगा एंड स्कैनर इस तरीके से ब्लिंक करेगा। तो ये जैसे ही फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा तो ब्लिंक करना बंद हो जाएगा, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो फर्मवेयर से अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जब भी आप स्कैनर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करें तो आप फर्मवेयर अपडेट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फर्मवेयर यहाँ से अपडेट हो गया, जो तो DOS की जो स्क्रीन आ रही थी वो अब नहीं आ रही है। एंड इसको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो ये मेरा स्कैनर रिस्टार्ट होके एक बार ऑन हो गया है। फाइल को सेव करना है, इसमें आप PDF में कर सकते हैं, JPG, ईमेल PDF, ईमेल JPG एंड इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ से आप किसी में भी इसको सेव कर सकते हैं। मोस्टली इसमें सेव एज PDF ही करते हैं। एंड डॉक्यूमेंट में फोटोज आपको करनी है, डॉक्यूमेंट करना है, इस तरीके से आप सिलेक्ट करना पड़ेगा। टू साइडेड है, यानी डुप्लेक्स स्कैनर है, ये दोनों साइड का आपको स्कैन करके देगा। वन साइड एंड टू साइड कैसे स्कैन करना है आपको, वहाँ यहाँ से ये सिलेक्ट होगा। एंड मैंने सिलेक्ट कर रखा है टू साइडेड बुक। साइज इसमें अपने आप ही ले लेगा, डिटेक्ट साइज लिखा हुआ है, यानी ऑटोमेटिक जो भी साइज होगा पेपर का वो अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। वैसे मैं अभी आपको A4 और लीगल दोनों पे ही स्कैन करके दिखाऊंगा। एंड यहाँ देख लीजिए लीगल आ रहा है यहाँ पर, तो जिन लोगों की क्वेरी होती है कि लीगल स्कैनिंग होगी तो यहाँ शो कर रहा है लीगल में भी ये स्कैनिंग करेगा। रिजोल्यूशन यहाँ से सेट कर लेंगे,
75 to 1200 DPI है। एंड यहाँ पे आपको कलर मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, कलर लेना है आपको ब्लैक एंड वाइट करना है। इस तरीके से आपको ऑटो डिटेक्ट कर देंगे तो पेपर में जो भी कलर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है कि PDF में ही पेपर सेव होगा। तो चलिए अब मैं इसमें कुछ लीगल और A4 पेपर लगा देता हूँ, फिर उसकी स्कैनिंग करके देखते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे स्कैनिंग के लिए कुछ A4 एंड लीगल पेपर ले लिए और बोथ साइड भी लिए है मैंने। जैसे कि आप देख रहे हो A4 में ये बोथ साइड है, ये सिंगल है एंड ये भी सिंगल है। लीगल में मैंने बोथ साइड लिया है। तो प्रिंटर, तो स्कैनर के बारे में आपको एक चीज बता दूं, यहां आप 50 शीट तक लगा सकते हैं, यानी ADF में आप 50 शीट लगा सकते हैं। इस स्कैनर की स्पीड 40 पेजेस पर मिनट होती है। ड्यूटी साइकिल इसका 4000 पेजेस पर डे होता है, यानी बहुत ही हैवी ड्यूटी स्कैनर है ये। आप 4000 पेज तक इसको पर डे स्कैन कर सकते हैं। एंड इन बटन्स के बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर स्कैनर आपका ऑन है और आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो 3 सेकंड तक आपको इस पावर बटन को प्रेस करके रखना होगा तो ये स्कैनर ऑफ हो जाएगा। एंड ये जिस टाइम स्कैनिंग करता है स्कैनर, तब ये पावर यूज करता है 24 वॉट की। तो मैंने पेपर लगा दिए हैं स्कैनर में एंड यहाँ से कुछ नहीं करना है, कलर अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। स्कैन कर दूंगा मैं, A4 और लीगल दोनों ही टाइप के पेज इसमें लगाए हैं। सारे डुप्लेक्स में पेपर हो गए, दो पेपर मेरे वाइट थे यानी डुप्लेक्स नहीं थे, तो उनकी भी स्कैनिंग हो गई है। तो यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे, यहाँ नीचे आ रहा है डिलीट का ऑप्शन, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। एंड कुछ पेपर को आप रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर इसमें स्कैन कर लिया है उसके बाद भी कुछ पेपर आपके बचे हैं, आपने स्कैनिंग कर ली है, सेव नहीं किया आपने अपनी PDF को, तो अभी भी आप इसको प्लस करके और भी ऐड कर सकते हैं स्कैन। ये देखिए स्कैन हो गया, इसमें भी वाइट पेपर स्कैन हो गया तो उसको भी डिलीट कर दूंगा। एंड यहाँ पर सेव डॉक्यूमेंट में आ गया है, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ पेपर इसके उल्टे भी हैं जो मैंने रोटेट करके दिखाए थे आपको, यानी अगर आपके उल्टे पेपर लग गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रोटेट करके सीधे कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी फास्ट स्कैनिंग होती है इसमें। अगर हमारे पास फ्लैट वेट स्कैनर होता तो वो चलता ही रहता, बहुत देर में होता और एक एक करके आपको पेज उसमें लगाना पड़ता। 50 शीट आप एक साथ लगा सकते हैं एंड स्कैन करके आपको PDF बना के ये दे देगा। चलिए इसमें देख लेते हैं हम पेपर में सेपरेटर कैसे लगाते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी आपने स्कैन किया एंड ये स्कैनिंग मैंने अभी दो पेज लगा रखे हैं, एक तो पेपर ब्लैंक है बाकी 3 इमेज पेपर है। अब इसके बाद में हमें सेपरेटर लगाना होगा। सपोज कीजिए इसके बाद में सेपरेटर लगा रहा हूँ, यहाँ आप देख रहे हो आइकन सेपरेटर का, इस पर क्लिक किया तो अब होगा क्या कि एक फाइल तो ये सेव होगी एंड एक फाइल ये सेव होगी जिसमें 3 पेज होंगे, मतलब एक फाइल में एक ही पेज होगा जो ब्लैंक वाला आ रहा है, बाकी की दूसरी फाइल में 3 पेज होंगे। तो इसको सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे कर देता हूं मैं। अब देखिए यहां पर 2 फाइलें सेव हुई हैं, 01 को खोलेंगे तो ये ब्लैंक है एंड 02 को ओपन करेंगे तो इसमें 3 पेज हैं। तो इस तरीके से हम सेपरेटर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक PDF में 2-3 PDF बनानी है तो हम यहाँ पर सेपरेटर लगा सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सेपरेटर लगेगा, आप इसके बाद दूसरा सेपरेटर लगा सकते हैं। तो यानी कि अब एक फाइल ये बनेगी, दूसरी ये बनेगी और तीसरी ये बनेगी। तो चलिए अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि किसी फोटो को अगर हम स्कैन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो उसको JPG में करेंगे, तो यहाँ पर हम JPG सेलेक्ट कर लेंगे। JPG सेलेक्ट करते ही यहाँ पर ये फोटो आ गया है एंड फोटो अगर सेलेक्ट होगा तो ये डुप्लेक्स नहीं होगा, यानी वन साइडेड ही होगा। देखिए मैं दिखाऊँ आपको, अगर डॉक्यूमेंट है तो 2 साइडेड आ रहा है एंड जैसे ही मैं फोटो सेलेक्ट करूँगा तो वन साइडेड हो जाएगा। तो कलर में आ रहा है, JPG आ रहा है।
तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो फोटो का फेस है वो नीचे की साइड में रहेगा स्कैनर में, एंड जो रफ साइड है यानी प्लेन साइड है वो आपकी ऊपर की साइड रहेगी। तो इसको स्कैन पे कर देंगे। एंड ये स्कैन हो गया है, यहां से रोटेट कर सकते हैं इसको। सेव, जेपीजी में आ रहा है, एंड यहां से मैं इसको लूंगा डेस्कटॉप पर ही, एंड इसको ओपन करेंगे। तो इसका फ्रंट पे जो बटन दिया हुआ है स्कैनिंग का, आप इससे बटन को प्रेस करके भी स्कैनिंग कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर से ही सॉफ्टवेयर में जाके स्कैनिंग करनी है। बस आपको करना क्या है कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है वो ऑफ रहना चाहिए, मतलब ओपन नहीं हो वो, एंड इस बटन को आपको एक बार प्रेस करना है। बाई चांस होता क्या है कि ये बटन अगर आपके प्रेस करने पर काम नहीं कर रहा है तो इस स्कैनर का आपको फर्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा, तभी ये बटन काम करेगा। तो देख लीजिएगा, अगर ये वर्क नहीं करता है तो आपको जो मैंने अभी बताया फर्मवेयर कैसे अपडेट होता है उस तरीके से फर्मवेयर अपडेट करने के बाद में आप इस बटन को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार मैं बटन प्रेस करूंगा और ये स्कैनिंग अपने आप हो जाएगी, और कंप्यूटर में जिस लोकेशन पे जिस फॉर्मेट में मैंने इसको सेट किया होगा वहां वो आपको सेव करके दे देगा। तो ये फाइल जो भी मैंने बटन से स्कैन की थी वो आ गई यहां पर, इसको ओपन किया, देखिए यही वो फाइल थी जिसको मैंने स्कैन किया था। तो आपको ध्यान यही रखना है कि अगर आपके वो बटन काम नहीं कर रहा है तो फर्मवेयर को अपडेट करना होगा। तो इस स्कैनर के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है, एंड जो भी फास्ट काम करना चाहे आप ऑफिस के लिए तो इसको यूज कर सकते हैं। और एचपी की ऑन साइट 1 ईयर वारंटी के साथ में आता है, तो आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं ले जाने की इसको जरूरत नहीं है। आप कंप्लेन लॉग करेंगे एचपी के कस्टमर केयर पर जाके तो वो इसको आके ठीक करके देंगे। एंड अगर आप इसको कुछ सर्विस करना चाहते हैं, पेपर फंस जाता है अगर आपको, तो यहाँ पे ये लॉक है, इसको उठाकर आप इस तरह से ओपन कर देंगे तो ये पेपर भी आप बाहर निकाल सकते हैं।